बच्चों कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स जिनके जो सिंबल होते हैं, एटॉमिक सिंबल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं उनके नाम से। तो वो कहाँ से आए हैं, वो उनका लैटिन नेम से डिराइव किया गया है, इसके वजह से क्या होता है, उनका एटॉमिक सिंबल जो होता है वो उनके नाम से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम उसी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एलिमेंट का नाम जानेंगे जो उनका लैटिन में क्या नाम है और उनका सिंबल ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में पहले आता है सोडियम। ऐसे 11 एलिमेंट्स होते हैं जिसका लैटिन नेम क्या है, उनका सिंबल से एटॉमिक सिंबल और अलग अलग होते हैं। तो ऐसे 11 एलिमेंट्स होते हैं, कितना होते हैं, 11। तो एक मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखता हूँ, ठीक है। एक होता है Na। Na किसका सिंबल है, सोडियम। Na क्या है, हम इसको बोलते हैं सोडियम। पहले उसका हमें कौन सा नाम पता है, पहले वो लिखते हैं, उसके बाद उसका लैटिन नेम जानेंगे। ठीक है, तो Na होता है सोडियम। उसके बाद आता है के। के मतलब पोटाशियम। उसके बाद है कॉपर। उसके बाद आता है Ag। Ag होता है सिल्वर। ओके, उसके बाद आता है Al। Al का मतलब इंडियम। इंडिया से इंडियम याद रखना, लेकिन ये इंडिया में डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन इसका नाम इंडियम है। क्यों हुआ है मैं बोलूँगा जब हम सब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है Sn। Sn क्या है, टीन। ठीक है, उसके बाद आया Sb। Sb क्या है, एंटीमनी। ठीक है, यहाँ पर उनका लैटिन नेम लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं क्या, एंटीमनी गया, एंटीमनी के बाद आया W। ये क्या है, टंगस्टन। उसके बाद आया Au। Au क्या है, गोल्ड। उसके बाद है HG। ये क्या है, मर्क्यूरी। और उसके बाद आया PB। क्या है, PB क्या है, लीड। ओके, अब इनका लैटिन नेम पढ़ते हैं। तो सोडियम का लैटिन नेम होता है नैट्रियम। तो नेट्रियम से आया है Na। ठीक है, उसके बाद है पोटाशियम। पोटाशियम का होता है कैलियम। ध्यान से याद रखना, नेट्रियम होता है सोडियम का, पोटाशियम का होता है कैलियम, जिसका हम के लिखते हैं। कपर या आता है कप्रम और क्यूप्रम भी बोल सकते हो। ठीक है, इससे पहला फर्स्ट टू लेटर्स आर यूज टू सिंबलाइज। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर क्या क्या लिखा है, Ag। Ag से आया अर्जेंटम। उसके बाद है इंडिकम। इंडिकम आया है वर्ड, सॉरी इंडियम आया है वर्ड, कहाँ से, इंडिकम से आया है। इंडिकम, इंडिकम का मतलब होता है वायलेट। ठीक है, तो ये इंडिया से डिराइव नहीं हुआ है, याद रखने के लिए बोला था पीरियडिक टेबल में, ये इंडिया, इंडिया से इंडिकम, इंडियम। ठीक है, उसके बाद है टीन। टीन का क्या होता है सिंबल, स्टैनम। ठीक है, स्टैनम, स्टैनम और SN और लिख है यहाँ पर टीन के सिंबलाइज करने के लिए। उसके बाद है एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, स्टीबियम। स्टीबियम, स्टीबियम होता है उसका लैटिन नेम, उससे डिराइव किया गया, Sb लिखा गया यहाँ पर एंटीमनी को सिंबलाइज करने के लिए। उसके बाद है टंगस्टन। ये एक्चुअली टाओ है, फिजिक्स में यूज होता है, टाओ एक सिंबल है, तो यहाँ पर इसको W लिखते हैं। तो टंगस्टन क्या, लैटिन नेम क्या है, वोल्फ्राम। ठीक है, उसके बाद है Au। Au क्या है, गोल्ड। तो Au को लैटिन में बोलते हैं ऑरम, जिसका मतलब है शाइनिंग डॉम। उसके बाद है Hg, मर्क्यूरी। Hg कहाँ से आ गया, हाइड्रा जाइरम। ठीक है, उसके बाद है लीड।
इसको बोलते हैं प्लम्बम। ठीक है, और एक एलिमेंट को हमने छोड़ दिया, वो था आयरन। क्या है? आयरन को हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। उसका लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। क्या होता है? फेरम। ठीक है, ये उसका लैटिन नेम होता है फेरम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।